हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मनीषा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शिव गौतम, जो मेरे पापा भी हैं। और आज मैं अपने पापा से उनकी कुछ लाइफ स्टोरीज के बारे में बात करूंगी, बिकॉज इट इज अ बिग ग्रेट इंस्पिरेशन जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। एंड आई वुड रियली वांट कि और लोग भी इससे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो एंड उनको एक जील मिले, एक एम मिले कि लाइफ में क्या करना। तो पापा मुझे कुछ बताएंगे कि आपकी लाइफ में, आपके चाइल्डहुड में, क्योंकि मुझे पता है आप एक रूरल बैकग्राउंड से, आप गांव से हैं, आपकी एजुकेशन गांव से हुई, तो आपको क्या चीज इंस्पायर किया? क्योंकि गांव में जनरली ऐसा होता है कि बच्चे खेलने कूदने में, मस्ती करने में अच्छे रहते हैं, बट यू आर अ वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट, सो व्हाट मोटिवेटेड यू, व्हाट इंस्पायर्ड यू, आपके कुछ किस्से कुछ आप हमारे साथ शेयर करिए। देखिए, जो कुछ आप वर्ल्ड फेमस और ये बातें कर रही, ये तो आपका एक पिता के प्रति प्यार होगा। अब जो कुछ है भगवान की जो मर्जी है वो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो एक हिंदी मीडियम स्कूल था गांव का, राजकीय विद्यालय, और इस विद्यालय में न कोई स्कूल ड्रेस थी, सिर्फ इतनी अपेक्षा थी कि बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तो मुझे ये ध्यान है कि हमारे हर वीक सफाई की जांच होती है, बच्चों की सबको लाइन में खड़ा करके हमारे शिक्षक देखते थे कि वो धुले हुए अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, उसके नाखून कटे हुए हैं या नहीं है, और दांत साफ है। तो इससे सबसे पहले तो हमें ये प्रेरणा मिलती थी कि बच्चों को अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो अच्छे स्वस्थ रह सके। फिर हम गांव में पढ़ते थे, स्कूल ड्रेस नहीं थी, जो वी शेप चप्पल होती थी उसी में हम स्कूल चले जाते थे, और कुछ हमारे साथी तो नंगे पांव भी आते थे, क्योंकि उनके पास इतना प्रसाधन नहीं होते थे कि वो चप्पल या जूते भी खरीद सके। आप इमेजिन कीजिए क्या बैकग्राउंड था। और फिर हम खासतौर से मैं जब आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखते थे, चील गाड़ी कहते थे उस जमाने में, क्या मैं इस चील गाड़ी को कभी नजदीक से देख पाऊंगा, ये एक मन में सपना होता था। और आज जब 3/4 दुनिया में अपने लेक्चर्स के माध्यम से घूम चुका हूं, तो मैं उस ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि तुमने मुझे उतना दे दिया जो शायद मैं डिजर्व नहीं करता था, और मुझे जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा भगवान तुमने मुझे दिया है, और मैं बहुत संतुष्ट हूं इस बात से। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हमारे कुछ टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट किया, और टीचर्स से पहले मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे मेरे पूज्य पितामह, मेरे दादाजी पंडित राम प्रताप जी वैद्य, वो संस्कृत के महान स्कॉलर थे, वैद्य थे और ज्योतिषाचार्य थे। 3 महीने उनका पूर्व में, यानी कि बंगाल, बिहार, नॉर्थ ईस्ट में उनका दौरा रहता था साल में, और 3 महीने वो पश्चिम में जाते थे, तो मुंबई, गुजरात, इन एरियाज में उनके जो शिष्य थे उनके यहां वो ठहरते थे, और वो जब वापस आते तो चतुर्मास के 4 महीने और उससे आगे पीछे के 1-1 महीने 6 महीने हमारे गांव में चिराना में व्यतीत करते थे। हर रोज घर के सामने एक बड़े चबूतरे पर पंडित जी बैठते थे, और उनके सामने गांव के उनके समकक्ष बुजुर्ग व्यक्ति या छोटे लोग कम से कम 20-30 की संख्या में रोज वहां आके बैठते थे।
मुझे याद है मैं तीसरी चौथी क्लास में उस वक्त पढ़ा करता था और मेरी ड्यूटी ये रहती थी कि उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो घर पर कोरा घड़ा यानी नया घर, बड़े बड़े घरों में पानी भर के 6 बजे रख दिया जाता था ऊपर छत पे और वो हवा से ठंडा हो जाता था। और एक राम झारा नली लगे हुए एक पात्र जिसमें पानी भरा जाता है, वो भर भर के लाके लेके आना और गांव में हाथ धोकर ओक से पानी पीने की परंपरा थी उससे। तो मेरी ड्यूटी ये थी कि मैं सबको ऊपर से लाता और ठंडा जल पिला और वहां बैठ जाता। और उस समय जो संस्मरण पंडित जी अपने सुनाते थे यात्राओं के, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ की पैदल यात्रा हो उस जमाने में, चाहे वो अपने जो बड़े बड़े शिष्य हैं शेखावाटी के, तमाम उस जमाने के करोड़पति लखपति लोग उनके शिष्य थे, वो उनके प्रति कैसे आदर भाव रखते थे वो सुनाते थे। और कई बार महाभारत से रामायण से कई तरह के उद्धरण सरल भाषा में वो सबको सुनाते थे और वो 1-1.5-2 घंटे तक वो सेशन चलता था, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, बहुत इंटरेस्टिंग। और उस समय मुझे लगता है कि जो संस्कार मुझे सुनने को मिले और जो संस्कृत के श्लोक मैंने उनसे सुने, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रताम पात्रताम ददाति धनम धनम धर्मस्ततो जय, वो कहा करते थे कि सबसे पहले विद्या प्राप्त करो, सुपात्र बनो, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रताम पात्रताम ददाति धनम, और सुपात्र बन जाओगे तो धनम मिलेगा, धनम धर्मस्ततो जय, और धन कमा के तुम धर्म के काम करो उससे जय होती। इस तरह के बहुत से नीति श्लोक मुझे याद है, समय की कमी से मैं बोल नहीं रहा हूं, वो उनके चरणों में बैठ के सीखे हुए श्लोक हैं जो जीवन में मुझे प्रेरणा देते। स्कूल में गए तो एक दो टीचर्स हमें याद हैं जो बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन सिखाते कि कैसे डिसिप्लिन से रह जाए। हमारे गुरुजी थे, बड़ा नोबल तरीके से वो सवाल पूछते थे, लाइन में सबको खड़ा करते इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग पूछते, 6ठी क्लास की बात, और जो सही मीनिंग बताएगा उस बच्चे को पुरस्कृत करते। तो उन्होंने एक वाक्य पूछा, मेरा कोई 6ठा 7वां नंबर था लाइन में, मेरा उत्तर सही हो गया। उन्होंने कहा आज ये होगा कि ये अपने बाकी 5 लोग जिन्होंने गलत सवाल किया उसको चाटा लगाए, अब अपने साथियों को चाटा लगाओ कितना मुश्किल काम। तो मैंने धीरे 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 करके 5 चौके लगा दिया। उन्होंने कहा इधर आ, मैं गया पास में और उन्होंने कस के एक चाटा मेरे गाल पे मारा। मैंने कहा ये मैंने तो सही उत्तर दिया था, बोलो चाटा ऐसे लगाते हैं। वो जो उन्होंने सिखाया, तो आगे से अपने काम के प्रति कोई भी काम दिया जाए आपको ईमानदारी से काम करना, वो सीख उन्होंने दी मुझे। हालांकि कोई नाराज भी हो सकता था कि सवाल उत्तर दिया गुरु जी ने चाटा मार दिया। गांव से मैं पढ़ने के लिए नवलगढ़ गया, तो नवलगढ़ में हमारे एक बहुत ही मैं कहूंगा अनुकरणीय गुरु थे, मुकुंद मोहन सान्या। वो थे इतनी उम्र के कि हम में से कईयों के पिताजी और कईयों के दादाजी उनसे पढ़ चुके थे। He was 82 years at that time, जब मैं 14 साल का था, पिताजी उनसे पढ़ चुके। और कई बच्चे ऐसे थे जिनके दादाजी को भी उन्होंने पढ़ाया था और वो होम्योपैथी के डॉक्टर थे 7 साल, और अकेले थे वो, ऑल अलोन, ब्रह्मचारी थे, तो सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते उनका ध्यान रखते और शाम को 5 से 7 उनकी होम्योपैथी की क्लिनिक चलती।
और उस क्लिनिक में जो भी आता अपनी आधी सैलरी वो उस क्लिनिक में दवाई खरीदने में लगाते हैं और उससे सबको निशुल्क दवा देते। उससे जो प्रेरणा मिली कि लोगों को सेवा करना चाहिए, वो एक उदाहरण थे सेवा। कई नोवल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। वो इतने बुजुर्ग थे कि 5 मिनट स्कूल की घंटी बजती थी और उन 5 मिनट में सारे बच्चे लाइन में लगते, उनके ऑफिस में जाते, उनके चरण स्पर्श करते, आशीर्वाद लेते और फिर जाके कक्षा में बैठते। ये नियम था सबका और दोनों तरफ दोनों हाथ से वो सबको आशीर्वाद देते रहते थे लाइन से। इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति मैंने सीखी, मैंने देखी और मैंने जिया उसे। तो उन्होंने एक नोवेल एक्सपेरिमेंट क्या किया, दो बातें बताऊंगा उनकी, ज्यादा समय भी नहीं। मैं जब 10th में था तो हम सब लोगों ने यह तय किया कि गुरुजी का, हमें पता लगा कि अब अगले वर्ष शायद ये रिटायर होकर चले जाएंगे वापस बंगाल। क्योंकि मैं कक्षा में ठीक ठाक था तो मेरे को आगे कर दिया, 2 रुपए प्रति छात्र, उस समय 60 रुपए बहुत बड़ी राशि होती थी। हम 30 बच्चों ने इकट्ठा किया और हमने तय किया कि गुरुजी का एक बड़ा तैलचित्र बना के स्कूल में लगाएंगे हॉल में। तो हम गए, प्रणाम किया, तो बोलो शिव कैसे है, तुम लोग कैसे आए। मैंने बताया, लोगों को डर लग रहा था उनसे कुछ कहने में कि इस तरह से हमने 60 रुपए इकट्ठे किए हैं और आपका एक तैलचित्र बनाना चाहते हैं तो आपका फोटो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों मेरा तैलचित्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम आपकी सेवा का आदर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि शिव, ये जो भगवाना है चपरासी, रोज तुम्हारे लिए घंटी बजाता है, रोज तुम्हें पानी पिलाता है और तुम्हारे लिए इतने बड़े बगीचे को सींच कर हरा भरा खेलने के लिए रखता है, इसकी सेवा का आदर क्यों नहीं करना चाहते। आप देखिए सवाल। हमने कहा हम इसका भी करेंगे। मैं और क्या कहता हूं, बोले इसका भी नहीं, इसकी ही सेवा का आदर करो। तुम एक भगवाना का तैलचित्र बनाओ बड़ा और वो अपन लगाएंगे और उसका मैं अनावरण करूंगा। कितनी बड़ी बात, क्या नाम नहीं पाने की इच्छा। वैसा ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं जब नहीं रहूंगा इस चित्र पर धूल झाड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा और मैं जानता हूं कि मैं नहीं रहूंगा उसके 50 साल बाद तक भी मैं जिंदा रहूंगा। तो हम बच्चे देखने लगे होंगे कैसे जिंदा रहेंगे, तो जब तक तुम लोग जिंदा हो तब तक मैं नहीं रहूंगा। एंड ही स्टिल अलाइव, वो आज भी जीवित है। उनकी मेमोरीज आपको अभी भी इमोशनल कर देती है। मैं उनको आज याद कर रहा हूँ। आपकी मेमोरीज अभी भी उनको इतना इमोशनल कर रही हैं। तो वो जीवित हैं। ऐसा आदर्श व्यक्ति मेरा गुरु था। एक बार उन्होंने एक नोवेल एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम पर, एनसीईआरटी तो आज कर रही है, कि जो क्लास के बेस्ट 5 बच्चे होंगे वो स्कूल के बाद लास्ट के कम परफॉर्मेंस वाले जो लास्ट 5 बच्चे होंगे उनको पढ़ाएंगे। उनमें से मैं भी एक था और मैं अपने ही साथियों को मैथ्स पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था। बोलो देखो, विद्या बांटने से बढ़ती है, ये उन्होंने सिखाया और ये हमने आपसे सीखा है।
आपने बचपन से हमको भी यही सिखाया कि जितना तुम विद्या गेन करते हो अपने स्टूडेंट्स को उससे ज्यादा बांटो जितना बांटो। ये वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरत बात, जो बांटे तब तब बढ़े, बिन बांटे घटी जाए। तो मैं तो अभी यही करता हूं कि जहां मौका मिलता है अपने ज्ञान जो कुछ सीखा है समाज को उसको लौटाने की कोशिश करूं। और यही चीज हमने आपसे सीखी है। हमें वो इंग्लिश उस समय एक बहुत बड़ी बात होती थी, अंग्रेजी की पढ़ाई कम होती थी, छठी क्लास में एबीसीडी सीखी कि हर बच्चा एक प्रश्न अंग्रेजी का याद करके आएगा और मुझे सुनाएगा या क्लास टीचर को सुनाएगा। तो महीने में 30 प्रश्न याद हो जाते थे, वर्बल सुनाते थे उनको। और ये चाहे आप 15 क्वेश्चन एक दिन में आके सुना दो और अगले 15 दूसरे दिन, 30 दिन पर आके सुना दो या रोज एक सुना दो, 30 क्वेश्चन होने चाहिए। और जो नहीं सुनाएगा, जिसके जितने प्रश्न बच जाएंगे वो एक नया पैसा फाइन होगा उसका, 1 MP। और वो एक नए पैसे का फाइन मुझे नहीं देंगे, सामने सरस्वती का मंदिर है वहां जाके वो चढ़ाएंगे। तो वो बालक जो याद नहीं करता था और 5 नए पैसे माता के जाके सामने सरस्वती माँ के चढ़ाता था, तो उसके मन में जो ग्लानी होती थी कि मैं इसलिए ये चढ़ा रहा हूं कि मैं प्रश्न याद नहीं कर पाया, उस डर के मारे हर बच्चा प्रश्न याद करके आता था। यू लुक एट द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ गिल्ट ऑन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। इस तरह के नोबल एक्सपेरिमेंट कई हैं जो उन्होंने किए और वो मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। अभी तक आपने इतने अच्छे जो आपके टीचर्स हैं, हमारे जो परदादा जी हैं उनके बारे में, उनसे आपको कैसे प्रेरणा मिली, आपके गुरुओं से आपको प्रेरणा कैसे मिली बताएं। अब कुछ और बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जीवन की जो हम सुनना चाहेंगे और हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और सर की बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के बारे में हम सुनेंगे जिससे हम लोग अपने जीवन में मोटिवेट हुए एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा।